दोस्तों, शेयर मार्केट में इन्वेस्टमेंट करके पैसा कमाना एक बात है। जी हाँ दोस्तों, इन्वेस्टमेंट हम लोग करते हैं और चाहते हैं कि जो भी पैसे हम लोगों ने इन्वेस्ट किए हों वो एप्रिशिएट हो जाएं या इंक्रीज़ हो जाएं, उस पर हमें अच्छा खासा रिटर्न मिल जाए। लेकिन दोस्तों, क्या आप लोगों ने कभी सोचा है कि आपके कैपिटल के एप्रिशिएशन के साथ साथ अगर कोई कंपनी आपको बोनस दे दे या आपको साथ में डिविडेंड दे दे तो सोने पे सुहागा वाली बात यहाँ पे हो जाती है। तो दोस्तों, स्वागत है आपका स्टार्ट इन्वेस्टमेंट में। आज के इस वीडियो में मैं आप लोगों को बोनस और डिविडेंड से रिलेटेड 3 स्टॉक्स बताने वाला हूँ। 2 स्टॉक्स ऐसे हैं जो कि हाई डिविडेंड यील्ड वाले स्टॉक्स हैं, कैपिटल को अप्रिशिएट भी कर रहे हैं। और जी हाँ दोस्तों, एक स्टॉक तो ऐसा है जिसने कि 4:1 का बोनस पहले ही डिक्लेयर कर रखा था। अब कंपनी ने रिकॉर्ड डेट भी बता दी है, रिकॉर्ड डेट जल्द ही है, 12 अक्टूबर से पहले अगर आप इस शेयर को बाय कर लेते हैं तो 4:1 के बोनस के लिए आप लोग एलिजिबल हो जाएंगे। और एक चीज़ कहना चाहूँगा, विप्रो ने भी इतना बड़ा बोनस आज तक अपनी हिस्ट्री में नहीं दिया है जितना बड़ा बोनस इस कंपनी ने दे दिया है। ये पूरी की पूरी लिस्ट 1992 से लेकर 2019 तक मैंने विप्रो के बोनस की आप लोगों के सामने लगाई है। तो विप्रो का बोनस आप लोग देखेंगे, 1992 में 1:1 का था, अगेन 1995 में 1:1 का, 1997 में 2:1 का, 2004 में 2:1 का, 2005 में 1:1, 2010 में 2:3, 2017 में 1:1 और 2019 में 1:3 का। यानी कि विप्रो ने भी आज तक 4:1 का बोनस कभी भी डिक्लेयर नहीं किया है, जो कि इस कंपनी ने कर दिया है। और उसकी रिकॉर्ड डेट भी इस कंपनी ने बता दी है। कंपनी का नाम बताने से पहले कंपनी के कुछ एनालिसिस आप लोगों को बताना चाहूँगा। कंपनी ने ईयर टू डेट अगर रिटर्न्स देखें तो 100%, यानी कि शेयर होल्डर के पैसों को डबल कर दिया है। अगर पिछले एक साल का रिटर्न्स देखा जाए तो 170% के रिटर्न कंपनी ने दिए हैं और 3 सालों के दौरान 554% के रिटर्न्स कंपनी ने जनरेट करके दे दिए हैं। ये तो रही रिटर्न्स की बात। अब कंपनी का रेवेन्यू आप लोगों को बताना चाहूँगा। कंपनी का रेवेन्यू आप लोग देखेंगे तो 2017 में 4,821 करोड़ रुपए का और 2021 में 8,400 करोड़ रुपए का। यानी कि हर साल कंपनी के रेवेन्यू इंक्रीज होते रहे हैं और यही एक मल्टीबैगर शेयर की क्वालिटी स्टॉक्स की पहचान होती है। तो कंपनी एक मल्टीबैगर शेयर है। कंपनी ने देख लीजिए नेट प्रॉफिट इंक्रीज़ किए हैं हर साल अपने। यहाँ पे 2017 में 514 करोड़ रुपए का नेट प्रॉफिट था, जो कि इंक्रीज़ होके 2021 में 1,198 करोड़ रुपए का हो गया है। हर साल कंपनी का नेट प्रॉफिट इंक्रीज़ होता गया है। कंपनी का नाम है SRF लिमिटेड। जी हाँ दोस्तों, यस्टरडे ही कंपनी ने जो है 4:1 के बोनस के लिए रिकॉर्ड डेट डिसाइड कर दी है। यहाँ पे आप लोग देखेंगे आज की डेट में अच्छा खासा ये शेयर ऊपर उछलता हुआ चला जा रहा है और 245 रुपये का उछाल इस शेयर के अंदर देखने के लिए मिला। ओवर दी लॉन्ग रन इसने अपने शेयर होल्डर को लखपति करोड़पति बनाया और 11,167 रुपये के करीब आज ये शेयर क्लोज हुआ। और कंपनी ने पिछले 20 सालों के दौरान 1,08,317% के रिटर्न्स जनरेट किए। यानी कि कंपनी जो है एक मल्टीबैगर शेयर है। लॉन्ग टर्म में कंपनी ने बहुत ही ज़बरदस्त रिटर्न्स दिए हैं। केमिकल सेक्टर की ये कंपनी, जो कि अलग अलग केमिकल्स के वर्टिकल पे काम करती है, 10 रुपये की फेस वैल्यू वाला ये शेयर है SRF लिमिटेड। ROC ROE अच्छे खासे हैं शेयर के। कंपनी का मार्केट कैपिटलाइजेशन 64,000 करोड़ रुपये से ज़्यादा का है और कंपनी की प्रॉफिट ग्रोथ भी 40% से ज़्यादा की। जैसे कि मैंने कहा था, स्पेशलिटी केमिकल्स फील्ड में ये कंपनी काम करती है। अब इस कंपनी के अलग अलग वर्टिकल्स आप लोगों को बताना चाहूँगा। फ्लोरोकेमिकल्स, स्पेशलिटी केमिकल्स, पैकेजिंग फिल्म्स, टेक्निकल टेक्सटाइल, कोटेड एंड लेमिनेटेड फैब्रिक्स। यानी कि कंपनी जो है अलग अलग वर्टिकल्स पे काम करती है और एक मल्टीबैगर ये शेयर है। ये तो रहा SRF लिमिटेड के बारे में। इसके रिकॉर्ड डेट के बारे में इन्फॉर्मेशन आप लोगों को देना चाहूँगा। इस पूरे के पूरे पैराग्राफ को आप लाइन बाय लाइन जो है रीड आउट कर सकते हैं वीडियो को पॉज करके। मैं आप लोगों को लेमन लैंग्वेज में यहाँ पे बताना चाहूँगा। सबसे पहले तो कंपनी ने 4:1 के रेशियो में जो है बोनस डिक्लेयर कर रखा था। यानी कि अगर आपके पास कंपनी का एक शेयर है तो 4 फ्री में मिलेंगे, यानी कि टोटल 5 हो जाएंगे आप लोगों के शेयर। ये तो किसी लॉटरी लगने जैसा ही है। इसके लिए एक रिकॉर्ड डेट डिसाइड की जाती है, जो कि कंपनी ने फिक्स कर दी है 14 अक्टूबर, यानी कि 14 अक्टूबर के दिन, थर्सडे है 14 अक्टूबर के दिन। रिकॉर्ड डेट से एक दिन पहले यानी कि 13 अक्टूबर के दिन होगी एक्स डेट। और जी हाँ दोस्तों, एक्स डेट से एक दिन पहले आप लोगों को एटलीस्ट शेयर को खरीदना होता है।
यानी कि 12 अक्टूबर के दिन। तो 12 अक्टूबर 2021 के दिन या इससे पहले जो भी इन्वेस्टर इस शेयर को खरीद लेते हैं SRF लिमिटेड को, उनको इस कंपनी का बोनस जो है मिलेगा, लॉटरी उनकी लग जाएगी। तो रिकॉर्ड डेट, एक्स डेट और लास्ट डेट टू बाई के बारे में इन्फॉर्मेशन मैंने आप लोगों के साथ साझा करी। नेक्स्ट कंपनी जो कि हमेशा एक अच्छा खासा डिविडेंड देती रहती है, उस कंपनी के रेवेन्यू के बारे में मैं आप लोगों को बताना चाहूँगा। इस बार भी कंपनी ने अच्छा खासा डिविडेंड डिक्लेयर कर रखा है। कंपनी का 2017 में अगर देखा जाए रेवेन्यू तो 2320 करोड़ रुपये का और 2021 में 3574 करोड़ रुपए का। कंपनी का नेट प्रॉफिट भी देखेंगे तो 2017 में कंपनी का नेट प्रॉफिट 432 करोड़ रुपए का था, जो कि इंक्रीज़ होकर 2021 में 6651 करोड़ रुपए का हो गया है। कंपनी का नाम है प्रॉक्टर एंड गैम्बल हाइजीन एंड हेल्थ केयर। जी हाँ दोस्तों, प्रॉक्टर एंड गैम्बल हाइजीन एंड हेल्थ केयर, यानी कि कंपनी के नाम में आप लोगों को कंफ्यूज नहीं होना है। दो कंपनियां ऑलमोस्ट इसी नाम से मिलेंगी, एक कंपनी का नाम ये है और दूसरी कंपनी का नाम है प्रॉक्टर एंड गैम्बल हेल्थ लिमिटेड। जी हाँ दोस्तों, दोनों अलग अलग ये कंपनियां हैं। अगर इस कंपनी के लॉन्ग टर्म के रिटर्न्स के बारे में आप लोगों को बताऊं तो 3283% के रिटर्न्स ये कंपनी दे चुकी है। चार्ट पैटर्न भी आप लोगों को काफ़ी अट्रैक्टिव यहाँ पे दिखाई देगा। इस कंपनी का मार्केट कैपिटलाइजेशन 44,532 करोड़ रुपए का है। ROCE और ROE बहुत हाई है इस कंपनी के, मैं तो कहूँगा कि ऐसे ROE और ROCE बहुत कम देखने के लिए मिलते हैं। डेट फ्री कंपनी, जीरो डेट है कंपनी के अंदर, 10 रुपए की फेस वैल्यू, फ्यूचर में आप लोगों को स्प्लिट भी देखने के लिए मिल सकते हैं। प्रॉफिट ग्रोथ 49% की, फ्री कैश फ्लो 832 करोड़ रुपए का है। प्रॉक्टर एंड गैम्बल हाइजीन एंड हेल्थ केयर लिमिटेड कंपनी जो है ब्रांडेड पैकेजिंग फास्ट मूविंग कंज्यूमर गुड्स की मैन्युफैक्चरिंग करती है और मेनली फैम केयर और हेल्थ केयर के बिजनेस में ये कंपनी काम करती है। लेडीज़ के जो यहाँ पे फेमिनिन हाइजीन्स के प्रोडक्ट हैं ब्रांडेड, उनकी मैन्युफैक्चरिंग ये कंपनी करती है। और बिग्स आप लोगों ने खुद यूज़ भी किया होगा, देखा भी होगा, इसी कंपनी का ये प्रोडक्ट है। जी हाँ दोस्तों, PNG हाइजीन हेल्थ केयर लिमिटेड का ये प्रोडक्ट है। और कंपनी ने देखेंगे, पहले ये देख लीजिए कि हर साल 2019 में 48 रुपए का डिविडेंड डिक्लेयर किया गया, 2020 में 105 रुपए का डिविडेंड, और तीसरी बार इस साल में कंपनी ने डिविडेंड डिक्लेयर किया है। जी हाँ दोस्तों, पहले 10 फरवरी 2021 के दिन 85 रुपए का डिविडेंड दिया शेयर होल्डर को, 11 मई 2021 के दिन 150 रुपए का डिविडेंड दिया, और अब जो है 9 नवंबर 2021 के दिन अपने शेयर होल्डर को 80 रुपीज़ का डिविडेंड ये कंपनी देने वाली है। तो एक्स डेट इस कंपनी की कब है? 9 नवंबर 2021। तो आप लोगों को 8 नवंबर 2021 से पहले ये शेयर ले लेना है, तभी जाके आप लोगों को यहाँ पे बेनिफिट मिलेगा डिविडेंड का, डिविडेंड इन्वेस्टिंग का। अगर इस कंपनी का टोटल इस साल का आप लोग डिविडेंड कैलकुलेट करें तो ये कहीं जाके 315 रुपये पर शेयर पे आता है। बहुत बड़ी ये बात है। जी हाँ दोस्तों, अब नेक्स्ट कंपनी के बारे में बताना चाहूँगा, जिसका कि रेवेन्यू 2021 में 1008 करोड़ रुपए का रहा है। नेट प्रॉफिट के बारे में बात करें तो 176 करोड़ रुपए का रहा। इस कंपनी का नाम है प्रॉक्टर एंड गैम्बल हेल्थ लिमिटेड। जी हाँ दोस्तों, कंफ्यूज नहीं होना है, दोनों के स्पेलिंग अलग हैं, नाम अलग अलग हैं। और यहाँ पे देखेंगे, इस कंपनी ने 579% के रिटर्न्स जो हैं ओवर द लॉन्ग रन दिए हैं। 5,470 रुपए के करीब ये शेयर ट्रेड होता हुआ दिखाई दे रहा है। अगर मैं इस कंपनी के बारे में बात करूँ मार्केट कैपिटलाइजेशन की, तो 8,944 करोड़ रुपए का डिविडेंड यील्ड 0.74% की, 10 रुपए की फेस वैल्यू वाला ये शेयर है। ROCE और ROE काफ़ी अच्छे खासे, और डेट कंपनी के अंदर बिल्कुल भी नहीं है। अगर मैं बात करूँ कंपनी के प्रोडक्ट और सर्विसेज की, तो ये कंपनी जो है बल्क ड्रग्स, फाइन केमिकल्स, पिगमेंट और फार्मास्यूटिकल प्रोडक्ट्स की मार्केटिंग करती है, मैन्युफैक्चरिंग करती है। जी हाँ दोस्तों, प्रॉक्टर एंड गैम्बल हेल्थ लिमिटेड यानी कि एक फाइन केमिकल्स, पिगमेंट्स, बल्क ड्रग, इनकी मैन्युफैक्चरिंग करके इनकी मार्केटिंग करती है। शेयर होल्डिंग पैटर्न आप लोगों को जब मैं दिखाऊंगा तो बहुत ही ज़्यादा अचंबा आप लोगों को होगा कि पब्लिक यानी कि रिटेल निवेशक, आप और हम लोग बेच रहे हैं और बाय कौन कर रहा है? सबसे पहले यहाँ पे बाय कर रहे हैं FII। यहाँ पे देख लीजिए, FII जो है हर साल और हर क्वार्टर में शेयर खरीदते चले जा रहे हैं। लेटेस्ट क्वार्टर जून 2021 में 6.45% FII के पास हैं, और DII भी खरीदारी करते चले जा रहे हैं 11.81% के साथ। इस कंपनी ने भी अच्छा खासा डिविडेंड जो है डिक्लेयर कर रखा है, 130 रुपए का डिविडेंड। जी हाँ दोस्तों, 130 रुपए का डिविडेंड यहाँ पे डिक्लेयर कर रखा,
उससे पहले भी देखेंगे 2019 में 24 रुपए का डिविडेंड, 2020 में जो है दो डिविडेंड दिए, 188 रुपए का स्पेशल डिविडेंड और 42 रुपए का फाइनल डिविडेंड, दोनों को अगर आप लोग इंक्लूड करें 230 रुपए का डिविडेंड कंपनी ने डिक्लेयर किया, बहुत बड़ी बात है। और यहाँ पे अगेन फिर से स्पेशल डिविडेंड और फाइनल डिविडेंड दिया है, इन दोनों को जोड़ दिया जाए तो 130 रुपए बन के ये डिविडेंड आता है, जिसके लिए एक्स डेट 2 नवंबर 2021 है। तो आप लोगों को ये शेयर 1 नवंबर या उससे पहले ले लेना है, तभी जाके आप लोग इस डिविडेंड के लिए एलिजिबल हो पाएंगे। तो इन्हीं 3 शेयर्स के बारे में आज के इस वीडियो में इन्फॉर्मेशन देनी थी। कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि कैसा लगा आज का ये वीडियो। साथ ही साथ डिस्क्रिप्शन में जो है 4 लिंक दिए गए हैं, अपस्टॉक, जीरोदा, एंजल ब्रोकिंग एंड एलिस ब्लू, चारों के लिंक पर क्लिक करें, अकाउंट ओपन करें और इन्जॉय करें चारों की सर्विसेज। तो आज के इस वीडियो में इतना ही, बहुत बहुत धन्यवाद।